जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है शो। ताक्षी ने तुम्हें कत्ल के इल्जाम में फंसाया और जिया और शेखर उन दोनों ने ऐसी चाल चली कि तुम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गए। लेकिन जिया क्यों? Come on, शो। जिया और शेखर का मौका है वारदात पे पहुंचना। जरा सोचो, जिया ने तुम्हें रोका तो नहीं लेकिन पुलिस को जरूर ले आई। उन दोनों की टाइमिंग कितनी सही थी ताकि तुम रंगे हाथों पकड़े जाओ और बचने का कोई चारा भी ना हो। मगर मैं चाहकर भी नहीं समझ पा रहा कि जिया ऐसा क्यों करेगी। जिया ने ऐसा किया है शो। वो सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि ताक्षी तुम्हारे खिलाफ एक चाल चल रही है। वो जानती थी कि ताक्षी तुमसे खून करवा के उसका इल्जाम तुम पर लगाने वाली है। सब कुछ जानती थी। जिया ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या मिलेगा ऐसा करके? शायद वो अपनी प्यार भरी जिंदगी से तुम्हें दूर कर देना चाहती थी। बहुत दूर। क्योंकि तुम्हारे होते हुए तो जिया और शेखर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तभी बात बात पर झूठ, तभी उसकी हर बात शक पैदा करती थी। जो इस सब की करता धरता जिया है, तुम्हारी अपनी जिया। मैंने आपसे कहा था ना कि आयक खून होने वाला है और इसके पीछे इस दाक्षी का ही हाथ है। इसके साथ और एक आदमी था, वो भी कहीं यही होगा। आप उसे ढूंढिए। अपनों की दी गई तकलीफ सहन नहीं होती शो, मैं समझती हूँ। लेकिन जो ऐसी तकलीफ पहुंचाए, क्या वो कभी अपना था? इस बारे में जरूर सोचना। अपना ध्यान रखना। शोम तो हमेशा से यही जानता है कि ताक्षी का पति करण है। उसे तो ये भी पता नहीं है कि ताक्षी का पति करण नहीं, अमन है। ये भी तो हो सकता है कि शोम जानता ही ना हो कि जिसकी मौत हुई है वो करण नहीं, अमन है। ताक्षी को शोम की इसलिए जरूरत थी क्योंकि शोम के हाथों करण को चोट लगे, यानी शोम को यह लगेगा कि उसने ताक्षी के पति को मारा है और उसके बाद करण ने अमन की लाश वहां रख दी होगी। और फिर शोम यही समझता होगा कि उसने ताक्षी के पति को मारा है। शेखर, सबसे पहले ये बात हमें शोम को बतानी होगी। मेरे होते हुए शोम और जिया उतने ही करीब हो सकते हैं जितना कि आग और पानी। या तो दोनों खाक हो जाए या बहकर खत्म हो जाए। चाहे कुछ भी कर ले दोनों, मैं उन्हें कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। कैसी बातें कर रही है और इस तरह अचानक? हाँ, हमने बस यही बात कहने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया था। लेकिन भाई साहब, अब इतनी सारी तैयारियां हो चुके हैं। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि हम कुछ नहीं कर सके। शोम दरअसल जेल में है और जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाता, मेरा मतलब है जेल से छूटकर नहीं आ जाता, तब तक हमें यह शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर शोम जेल में है
तो इस तरह शादी रुकने का क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर वो जेल में है तो उसे आपको क्या? शोम जिया का पति है आंटी जी, अब अगर जिया को कोई परेशानी होगी तो ये घर उस परेशानी से अछूता तो नहीं रहेगा ना, है ना बाबा? बिल्कुल, जिया की अपनी परेशानी उसके लिए चाहे कम हो सकती है लेकिन हमारे लिए उससे भी ज्यादा है। और एक जरूरी बात और, तुम्हारा तो इस परेशानी से कोई लेना देना है नहीं, तो अच्छा इसी में है कि तुम अपने काम से काम रखो। देखिए हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है लेकिन आप ही हमारी बात को समझिए, अगर आप चाहें तो कहीं और शादी तय कर सकती हैं। ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक शोम जेल से छूटकर नहीं आता। प्लीज आज मेरी बात सुनने से इनकार मत करना, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो लेकिन मेरी बातें समझने की कोशिश करो। शो मैं ये तो जानती थी कि दाक्षी अपने पति को मारना चाहती थी पर एक बात तुम नहीं जानती, दाक्षी का पति करण नहीं बल्कि अमन है। और क्षोम तुम्हारा झगड़ा तो करण से हुआ था, अब ये बात तो तुम्हारे समझ में आ गई, जो आदमी मरा है वो करण नहीं अमन है, जिसे दाक्षी और करण ने मिलकर मारा है। अगर तुम सब जानती थी जिया तो अब ये सब मुझे सलाखों के पीछे से क्यों बता रही है? शो, मैं और शेखर ये बात बताने की तुम्हें बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम्हारी कोशिशों के कुछ नमूने। होटल मरीडियन रूम 301, तुम्हारा ये सारा प्यार एक दिखावा था जिया। तुम ये जानती थी कि मैं उस रात दाक्षी के घर जाऊंगा, तुम ये भी जानती थी कि मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाया जाएगा, इसलिए तुम वहां पर पुलिस लेकर पहुंची ताकि तुम मुझे रंगे हाथों पकड़ सको। बार फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, मैं तुम्हें कैसे बताती? कैसे बताती मैं तुम्हें? शेखर और मैं सिर्फ यही चाहते थे कि तुम्हारी मदद करें लेकिन तुम और शेखर तुम लोग तो आखिरी इंसान होगे जिससे मैं मदद मांगूंगा, चाहे मेरे सामने फांसी का फंदा क्यों ना, मैं मरूंगा नहीं जी। आई हैव गॉट अ कंपनी और मेरी यही कंपनी मेरा केस लड़ेगी, मुझे बचाएगी।
जो तुम चाहती हो ना वो नहीं होगा। जिया मैं तुमसे नफरत करता हूं, चली जाओ यहां से। जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहां से। जिया क्या हुआ? जिया बात क्या है? शेखर, मुझे लगा था कि हम दोनों ने दाक्षी को बेनकाब कर दिया, लेकिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ उजड़ गया। शेखर, क्यों के पास हम दोनों की होटल में खींची गई तस्वीरें हैं। शोम को ऐसा लगता है कि मैंने शोम को धोखा दिया है, हम दोनों ने मिलकर उसे फंसाया है। मैंने शोम को खो दिया शेखर, मैंने शोम को खो दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शोम से ये सारी बातें मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। शोम शोम मुझसे नफरत करता है शेखर, वो मुझसे नफरत करता है। जिया, जिया, शोम के पास हमारी होटल की तस्वीरें कैसे पहुंची? पता नहीं मुझे, लेकिन उन तस्वीरों ने मुझसे मेरा शोम छीन लिया शेखर। मतलब जब हम लोग दाक्षी और करण का पीछा कर रहे थे तो कोई था जो हमारा भी पीछा कर रहा था? कौन हो सकता है वो? कौन कर रहा होगा हमारा पीछा? कैसी हो जिया? बिना पति के एक औरत का रंग रूप कैसा हो जाता है ना? तुम्हारे इसी रंग रूप को निहारने आई हूं। क्यों, आजकल तुमने आईना देखना छोड़ दिया है क्या? नेत्रा, पति का होना एक पवित्र भावना है जिसे तुम कभी नहीं समझोगी। और शराब जिया, ये भावनाएं वावनाएं अब धूल में मिल चुकी है। अब शोम तुमसे नफरत करता है। अफसोस, वो तुम्हारे पवित्र रूप को देख ही नहीं पाया। उसकी चिंता तुम मत करो, सच्चाई चाहे 100 पर्दों के पीछे क्यों ना, पर्दा उठ जाने पर सामने आती है। अब वो पर्दा कभी नहीं उठेगा जी। तुम्हारी और शेखर की वो तस्वीरें, उन तस्वीरों का पर्दा शोम की आंखों से कभी नहीं हटेगा। जब जब वो तुम्हें देखेगा, उसकी आंखों के सामने उन तस्वीरों की रंगरली आ जाएगी। और मेरी आंखों में खुशी। तो वो तस्वीरें तुमने, मेरे अंदर कितना जहर है जिया, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। शेखर को तो शायद अब मैं कभी नहीं पा सकूं, लेकिन एक बात याद रखना, शोम को भी कभी तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी, कभी नहीं। जैसे नागिन का जहर तो क्या, अगर भगवान भी इस रिश्ते के बीच में आ गया ना तो कुछ नहीं कर सकता। भले शोम मुझसे आज नफरत करता है, मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम एक बात सुनो,
शोम और मैं एक होकर रहेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। We will definitely see. जरूर देख ले। जा सकते हो। Your Honor, इस केस के सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इस केस से जुड़ी एक ऐसी गवाह को बुलाना चाहूंगा जो शोम के वहशत का शिकार हुई है। कत्ल की चश्मदीद गवाह दाक्षी भारद्वाज। शोम से मेरी मुलाकात होती रहती थी। शिखच शोम की पत्नी जिया का बेटा, उसका इलाज मैं कर रही थी। इसी बहाने शुरुआती तौर पर हमारी मुलाकात होती रही। बाद में शोम को यह पता चला कि मेरा मेरे पति के साथ यानी कि अमन भारद्वाज के साथ संबंध अच्छा नहीं है। मैंने शोम से मदद मांगी, उसने इस मदद को गलत तरीके से लिया। देर रात तक फोन आते, ये फोन पर अजीब अजीब बातें करता। जो किसी भी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं मानती हूं कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई और उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। शोम मेरे लिए पागल सा हो गया था। वो मेरे ऊपर हक जताने लगा था। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका जुनून मेरे लिए इस कदर बढ़ जाएगा कि ये अमन बीच में। मुझे ये भी पता चला कि शोम का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है। उसे ये शक था कि उसकी पत्नी जिया का उसके एक्स हस्बैंड शेखर के साथ संबंध है। शायद इसलिए ही वो मेरे पीछे पड़ा था, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। माय लॉर्ड, ये झूठ बोल रही है। इसने एक सारा खेल रचा है। इसने मुझे फंसा, ये सारा जाल तूने रचा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। शोम जी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। शोम, थोड़े थोड़े इसे, मिस्टर शोम। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बच जाओगी?
मिस्टर शोम पुंडीर, अदालत की तोहिन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शोम पुंडीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके अलावा इन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।